Hi everyone, first of all good morning to all of you, so welcome back to my YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, और जो आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेंगे ये हमारे रहेंगे इंडिया रिवर्स के ऊपर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे इंडिया रिवर्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा रिवर गंगा की बात की जाए तो रिवर गंगा जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो रिवर गंगा को बोला जाता है पद्मा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, गंगा रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर तो इसको पद्मा बोला जाता है। सेकंडली बात करें तो गोदावरी जो है, गोदावरी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ दक्षिण गंगा। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। उसके बाद बात करेंगे जहाँ पे चंबल इज़ प्रोबेबली, जहाँ पे चंबल को प्रोबेबली नोन जाना जाता है किसके लिए, क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, अगर बात करें चंबल की। उसके बाद मैं आपको बता दूँ पीपल डू नॉट बाथ इन चंबल बिकॉज ऑफ ए स्टोरी दैट सेज दैट एनीबॉडी हु टचेस द वाटर्स ऑफ चंबल गेट्स कर्स्ड। तो यहाँ पे चंबल के बारे में ये बताया गया है कि चंबल में कोई भी लोग वहाँ पे नहाते नहीं हैं, चंबल रिवर की अगर बात की जाए तो स्टोरी इसमें ये है कि अगर कोई भी इसमें टच करेगा तो वाटर गेट्स कर्स्ड, ठीक है। उसके बाद थमीरावरानी की बात करें तो थमीरावरानी की अगर बात करें तो ये ओनली पेरेनियल रिवर है साउथ इंडिया की। अब पेरेनियल रिवर क्या होती है, पेरेनियल रिवर ऐसी होती है जो जिसका वाटर जो है थ्रू आउट ईयर चलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर। बात करेंगे 5 नंबर पे लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है इंडिया का उसको बोलते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का भूपेन हजारिका ब्रिज। और अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे बिल्ट बनाया गया है, ये लोहित रिवर के ऊपर है। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। बात करेंगे जहाँ पे ये जो ब्रिज है इसको और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज डोला सादिया ब्रिज, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये 9150 मीटर लॉन्ग है, और जो ब्रिज जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था 26 मई 2017 को। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें, जो त्रिवेणी संगम है ये ऐसा, जहां त्रिवेणी संगम की बात करें तो वह प्लेस है जहां पे तीन जो रिवर्स हैं गंगा जमुना और सरस्वती मिलती हैं, ठीक है। त्रिवेणी संगम वहां पे है जहां पे तीन रिवर्स इकट्ठी जहां मिलती हैं, रिवर गंगा जमुना और सरस्वती। कई बार एग्जाम में जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये प्रयागराज में लोकेटेड है, कहाँ पे, यूपी के अंदर। ऑल्सो नोन है जिसको बोला जाता है संगम सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं टेरी जो डैम है, टेरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी रिवर के ऊपर है। एक बिगेस्ट हाईएस्ट और टॉलेस्ट डैम आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, और ये 8th हाईएस्ट डैम है अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें गंगा जो है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है दोनों इकट्ठी होकर एक डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा अगर बात करें तो लार्जेस्ट डेल्टा जो है वर्ल्ड का ये बनाती हैं, जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट बात करें हाईएस्ट वाटरफॉल जो है इंडिया का उसको बोलते हैं जोग फॉल्स, जो इज फॉर्म्ड जो कहाँ पे बनाया गया है, शरवती रिवर फ्लो फ्रॉम ए हाइट ऑफ 829 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया की, ये सारी की सारी कहाँ से कैसे फ्लो करती हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, टू एम्प्टी इन टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हमारा बेस्ट पोर्शन है, ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा ईस्ट पोर्शन है, तो कुछ इस तरीके से रिवर्स जो हैं बहती हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ रिवर जो हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, वो ईस्ट से कहाँ पर फ्लो करती हैं, बेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि ज़्यादातर रिवर्स आपको कैसे दिखेंगी, ज़्यादातर आपको रिवर जो है बेस्ट से ईस्ट की तरफ दिखेंगे ऐसे, मगर कुछ एक रिवर्स जो हैं वो कैसे फ्लो करती हैं, जे फ्लो करती हैं कहाँ पे, जे आपको ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड में आपको फ्लो करती दिखेगी, इसमें आपकी रिवर नर्मदा आ गई, तप्ती आ गई, साबरमती जी, ठीक है। तो जे रिवर्स हैं जे फ्लो करती हैं कहाँ पर, ईस्ट से बेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट बात करें दो जो मेजर रिवर फ्लोइंग जो अगर बात करें राजस्थान के अंदर, दो रिवर्स आपको देखने को मिलेगी जिसमें एक लूनी है एक वानस है, ठीक है। अगर दोनों की बात करें तो ये इनका जो है ड्रेनेज जो है इनलैंड वाटर ड्रेनेज है। इनलैंड वाटर ड्रेनेज का जहाँ पे मीनिंग क्या है, ये किसी भी ओशन के अंदर नहीं मिलती हैं, यानी कि इनका जो जितना भी वाटर है वो कहाँ पर लॉस्ट होता है, सैंड के अंदर, ठीक है ना। ये अरेबियन सी में जाती है ना बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो कौन सी दो रिवर हैं, लूनी एंड वानस, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं
अगर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर की बात करें तो यमुना नंबर वन पे है। यमुना जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है अगर बात करें हम इंडिया की। नेक्स्ट बात करें 14 पॉइंट पे, इंडस, जेलम, रावी एंड सतलुज, ये रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है इंडिया में एंड फ्लो इन टू द पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, इंडस, जेलम, रावी एंड सतलुज जो है आर द रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन इंडिया और कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इसको बोला जाता है जारलंग संगपो, ये कहाँ पे बोला जाता है इसको, चाइना के अंदर। दिहांग इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और जमुना इसको बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। देखिए एक ही रिवर के आपको कितने नेम देखने को मिलेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जारलंग संगपो चाइना के अंदर, दिहांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और जमुना जो है बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा जो है 9th लार्जेस्ट रिवर है अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए बाई डिस्चार्ज एंड 15 लॉन्गेस्ट डिस्चार्ज के, अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो ये 9th नंबर पे है वर्ल्ड के, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो 15th नंबर पे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महानदी यूज टू बी नोन एज डिस्ट्रेस ऑफ उड़ीसा बिकॉज इट कॉज अ लॉट ऑफ फ्लड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है, साथ में सिचुएशन जो होती है ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय बिल्डिंग हीराकुड डैम, जो कहाँ पे बना हुआ, जो महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। हीराकुड डैम कहाँ पे है, महानदी रिवर के ऊपर। बात करेंगे जहाँ पे 18 पॉइंट पे, मजूली जो है रिवर आइलैंड है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा में, इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पे देखने को मिलेगा, असम के अंदर देखने को मिलेगा, और मजूली जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट बात करेंगे, मजूली जो आइलैंड है ये फर्स्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, और उसके बाद का बात करें, इट वॉज डिक्लेयर्ड, इसको डिक्लेयर किया गया था 2016 के अंदर। देन बात करेंगे, यमुना जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया की, ठीक है, अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी साइड की, सदर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर बात की जाए तो ये गोदावरी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।